हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कहा था एसबीपीयू के इंटरव्यूज के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, और बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन होता है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जिसके बारे में बताने वाला हूं कि भैया अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें और क्या क्या उसमें बताएं या क्या ना बताएं। तो बहुत सारे लोग इस दिमाग में सवाल आता है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताना चाहूंगा, 3-4 मिनट लेके आपके, कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या ऐड करें, क्या ऐड ना करें। ठीक है जी, तो SBPO फोकस रहेगा, बाकी अगर आप कहते हैं IPSPO भी सेम चीजें होती हैं और RBPO में भी सेम चीजें होती हैं। चलिए बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूं तो मैं किसी से दूंगा, उससे पहले अपना देकर दिखाता हूं, फिर आप देखिएगा। अगर मेरे को कहीं कहे कि अपने आप अपने बारे में कुछ बताइए या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं नारनौल हरियाणा का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, और एक मेरी माताजी होममेकर है, मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि मारुति सुजुकी में काम करते हैं, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से मैथ्स ऑनर्स में की है, और मेरी हॉबीज हैं एक्टिंग करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले क्या अपना नाम, ठीक है, उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपका बहन भाई है, अगर है कोई बड़ा भाई या बहन, छोटी बहन भाई है, तो उनके बारे में बता दीजिए, प्लस आपकी एजुकेशन, और लास्ट में आपकी हॉबी। तो ये इतना पार्ट मैं कहता हूँ कि ये बेस्ट इंट्रोडक्शन होता है। काफी लोग कहते हैं ये मत ऐड करो, वो मत ऐड करो, क्योंकि क्या होता है उससे ना कि क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं भाई ये मत ऐड करो, इतना ऐड करोगे तो वो बहुत सवाल बन जाएंगे, वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, सवाल बने तो अच्छा, आपके बारे में सवाल बनेंगे तो ठीक है ना, अगर वहां से कुछ और सवाल पूछ लेंगे जो बहुत ज्यादा बैंकिंग रिलेटेड हो या बहुत ज्यादा फाइनेंस रिलेटेड हो और वो ना आप बता पाओ तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बारे में सवाल बनेंगे तो अपने बारे में आपको काफी कुछ पता होता है, अपने पापा के बारे में पता होता है, मम्मी के बारे में पता होता है, भाई बहन के बारे में पता होता है, और अगर नहीं पता तो छोटी छोटी डिटेल आप पता करके जा सकते हो, और वो एक लिमिटेड रिसोर्स है उसका। ठीक है, एक लिमिटेड चीज़ें वहां तक ही पूछ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें जरूर ऐड करें। क्या अपना नाम, ठीक है, आप जहां के रहने वाले हैं तो जहां के रहने वाले हैं उस लोकेलिटी का हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वहां क्या क्या एक्टिविटीज चलती है, लोगों का रोजगार कैसे बनता है वहां पर, ठीक है, वहां घूमने वाली चीजें कौन कौन सी फेमस है, वहां खाने पीने की कौन कौन सी चीजें फेमस है। ये हो गया आपकी लोकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपके नाम का मतलब क्या है, दो क्वेश्चन बन गए, देखो बॉन्ड। उसके बाद चलते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं, सपोज करते हैं मेरे पिताजी बीएसएफ में काम करते हैं, तो बीएसएफ क्या है, ठीक है, बीएसएफ कब फॉर्म हुई थी, बीएसएफ किस लिए फॉर्म हुई थी, बीएसएफ के फंक्शन क्या है, बीएसएफ आर्मी से किस तरह से अलग है, और कौन कौन से पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारे पास। ठीक है, ये बन गए, मतलब फादर के प्रोफेशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद मदर होममेकर है, ठीक है, इसमें सवाल बन सकते हैं कि आपको नहीं लगता कि क्या कहते हैं आजकल लेडीज को काम करने को ज्यादा मतलब मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है लेडीज को बाहर निकल के काम करना चाहिए, या ऐसे मतलब बहुत सवाल बन सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसे तरह के सवाल बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये हो गया लोकेशन का हो गया, फिर आप बात करें ग्रेजुएशन के ऊपर। ठीक है, ग्रेजुएशन के ऊपर आपके सवाल बन सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने जो ग्रेजुएशन की, अगर हाल ही में की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में अच्छे से, कि भाई ये सब्जेक्ट था इसमें ये पढ़ाया जाता था। क्योंकि मेरे से सवाल पूछा गया था कि अपने लीनियर अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चंस बताइए या बताइए क्या क्या होता है उसमें। तो जो भी आप सब्जेक्ट सामने पढ़े हैं हाल ही में, अगर हाल ही में किया, आपने 6-7 साल पहले करी है, तो उसको आप कवर अप कर सकते हो कि सर मुझे तो याद नहीं है, बट अगर आपने हाल ही में पढ़ी है तो आप डेफिनेटली उसको ब्लफ नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है उसमें, क्या नहीं। जब भी मतलब, फिर भी मैं कहूँगा कि अगर 4-5 साल पहले भी गए तो आप एक बार उसको ब्रश अप कर लें और मतलब पढ़ लें क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या क्या नहीं होती, ताकि वो आपकी हेल्प करें। ठीक है जी, अब बात करते हैं हॉबीज के ऊपर। हॉबीज कहते हैं बहुत सारे लोग, मेरी नहीं है, मेरी है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, तो क्या किया जाए उसमें। देखिए, हॉबी होना एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये देखो आपको डिफाइन करता है कि हाँ ये इंसान बहुत कुछ करता है एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में लेकर आता है। तो कुछ ना कुछ हॉबी ढूंढिए अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबी होती है, और उसके बारे में अच्छे से पढ़ कर रही, क्योंकि अगर आपको हॉबी बोल देंगे और आपको पता नहीं उसके बारे में तो नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है, और बोलनी जरूर है। तो अभी टाइम है, एक हॉबी ढूंढिए, मतलब ये नहीं कह रहा कि पैदा करो, ढूंढो अपने अंदर कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, वही आपकी हॉबी है, और उसको आप ब्रश अप करिए, उसको पढ़िए अच्छे से, उस फेयर को कवर करिए, और वहां पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक पॉइंट और रह गया था, जो आपके भाई के प्रोफेशन है, या आपका भाई स्कूल में पढ़ता है, तो उसके बारे में भी एक बार थोड़ी बहुत डिटेल करके जाइए कि वो स्कूल, सपोज करिए वो कोई प्रोफेशन में है, मतलब भाई मारुति सुजुकी में, तो मारुति सुजुकी ब्रांड कब खुली, क्या हुआ, क्या करती है, क्या नहीं करती, ये सब चीजें। किसी का भाई स्कूल में है, और सपोज करते हैं स्कूल का नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल, ठीक है, तो अब आप बताओगे, वो पूछेंगे ऐसा, अगर बता दिया उन्होंने, पूछा कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, और स्कूल का नाम आ गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल में बताएंगे, बताओ श्री रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो ऐसे इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को अपने बारे में जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए, क्योंकि
मैं बता रहा हूँ SBI में मोस्टली पार्ट डिपेंड करता है कि आपने अपने बारे में क्या बताया, वही सवाल पूछे घूम फिर के, बैंकिंग की बात तो बहुत बाद में आती है। ठीक है जी, तो आई होप आपको काफी ना कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी बहुत रेगुलर बेस पे, रोज डालूंगा कुछ ना कुछ वीडियो ऐसी। थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय।